हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ जी रेडमी नोट 10s मोबाइल उसका जो बैटरी प्रॉब्लम है उसको कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यानी कि यार अगर आप लोग कोई गेम खेलते हो या मूवी देखते हो या आपका कॉल पर बात कर रहे हो और आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो यार इसका इस प्रॉब्लम का मैं सलूशन लेकर आ गया हूँ। यार मैं आप लोग को 5 ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग का अगर आप लोग अपना मोबाइल में अप्लाई कर लोगे तो आपका मोबाइल का बैटरी कम से कम 2 दिन तक चलेगा। यार बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कम से कम 2 दिन तक एकदम मोबाइल का बैटरी आप लोग को चलेगा और एकदम लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोग को सेटिंग बताने वाला हूँ। तो यार मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू होते हो चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जल्दी से कर दो यार, एंड वीडियो का लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मैं इस ये 5 बेसिक सेटिंग बताने के लिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ जो हमारा जो रेडमी नोट 10s मोबाइल है उसी का मोबाइल स्क्रीन के अंदर बताऊंगा कौन कौन सी सेटिंग को आप लोग को करना है। तो यार मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ हम अपना रेडमी नोट 10s मोबाइल स्क्रीन के अंदर। तो बाहर सोना मौसम है, बोल आदित्य सिन्हा यूट्यूब चैनल औसम। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं मोबाइल स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ Redmi Note 10s मोबाइल में। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग बैटरी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। यार मतलब कि मैं आप लोग को कुछ ऐसा बेसिक सेटिंग बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा आप लोग को इम्पोर्टेंट सेटिंग भी बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पर आप लोग को किसी ने नहीं बताया है। तो सबसे पहला सेटिंग की बात की जाए, आप लोग को चले जाना है मोबाइल की सेटिंग में। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, बैटरी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को जैसा कि देख सकते हो फिक्स 1-2 बैटरी यूज इस पे आप लोग को करना है। अब ऐड 40 मिनट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यानी कि इसके बाद आप लोग को क्या करना है पहले देखना है, फिर इसके बाद बैटरी पर चल जाना और ऐप बैटरी सेवर में चले जाना है। उसके बाद आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यार जितना भी आपको सारे ऐप्स को आपको नो जो पहला वाला ऑप्शन है इसी पे आप लोग को कर देना है, क्योंकि यार देख सकते हो बैटरी सेवर में किया हुआ है लेकिन आप लोग को पहला वाले ऑप्शन पे जितना भी सारा ऐप्स है फ़ोन में या चाहे आपको कोई अदर ऐप से डाउनलोड की हो सारे ऐप्स को आप लोग को पहला वाले ऑप्शन पर सेट कर देना है। यार ये पहला आप लोग को सेटिंग मैंने बताया है। अब बात करता हूँ यार आप लोग को दूसरा सेटिंग कौन सा करना है, तो दूसरा सेटिंग की बात की जाए वो आप लोग को फिर से अगेन सेटिंग में चले जाना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, अबाउट फोन पे क्लिक करना है। आप लोग को म्यू वर्जन पे 5 बार क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन को आप लोग को इनेबल कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ जाना है, एडिशनली सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन का मिलेगा, इस पर क्लिक करना और नीचे की ओर आप लोग को स्क्रोल डाउन करना है, यानी कि नीचे की तरफ जाना है। इसके बाद तो आप लोग को एक मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, जैसे कि आप लोग को दिखा दूंगा ये देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आप लोग को पहला वाले नंबर पर सेट कर देना है। स्टैंडर्ड लिमिट पर ही रखना है, किसी किसी में तो ये 2 या 3 पर होगा लेकिन आपको स्टैंडर्ड लिमिट पर रखना है ये सेटिंग को। अब बात करते हैं यार तीसरा सेटिंग के, तो तीसरा सेटिंग बहुत ही मतलब कि जो सेटिंग है वो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो ये सेटिंग आपको क्या करना, आपका मोबाइल का जो बैकग्राउंड जैसा कि देख सकते हो वॉलपेपर बैकग्राउंड का आपको वॉलपेपर को चेंज कर देना है। यानी कि आप लोग मतलब जो वॉलपेपर उसको ब्लैक में दम रखना है दम। अब बात करते हैं यार आपको और भी बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग कुछ नहीं है, लोकेशन GPS ये सब आप लोग को बंद रखना है। फिर आपको बैटरी सेवर को ऑन रखना और डार्क जो मोड है इसको भी आप लोग को ऑन कर देना है, क्योंकि यार आपका मोबाइल में जितना डार्क मोड है ब्लैक आपका मोबाइल देखने में लाएगा इतना आपका मोबाइल का बैटरी बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो यार आपको फालतू की कोई भी सेटिंग आप लोग को नहीं करना, जो मैंने सेटिंग बताया बिल्कुल आप लोगों को यही करना, और वाईफाई और नेट ये सब अगर आप लोग यूज नहीं करते तो बंद ही रखना। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना चाहता था। तो इस तरह से आप लोग आराम से बैटरी को बचा सकते हो रेडमी नोट 10s में। तो यार जो मैंने सेटिंग को बताया है सारा सेटिंग को आप लोग अपना रेडमी नोट 10s मोबाइल में अप्लाई कर लोगे तो यार आपका मोबाइल एकदम कम से कम 2 दिन तक बैटरी चलेगा। यार 100% मैं गारंटी के साथ आप लोग को बता रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ करके भी आप लोग को दिखाया हूँ। यार तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यार अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जल्दी से कर दो यार, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार जय हिंद वंदे मातरम।